दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुफ्त उठाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं गैस गीजर के बारे में। दोस्तों पूरी की पूरी मैं जानकारी दूंगा कैसे इसको लगाते हैं, किस बटन का क्या यूज है, कौन सा पाइप कहां जाता है, क्या क्या इसकी फंक्शनलिटी होती है। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो और बताया था, एक बनाया था जिसमें मैंने इसको लाइव डेमो दिया था, ये सारी चीजें मैंने बताई थी दोस्तों, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर जो होता है, यहाँ आप शायद देख सकें, मैं दिखाऊंगा आपको अगर नजर आ जाए तो, इस टाइप का एक, यहां से जब गैस चलती है तो इसमें होके उसका जो भी गर्माहट होती है वो इसमें होके निकलती है। तो अगर इसके ऊपर कोई खुला भाग हो तो अच्छा है, वैसे यहाँ पे खुला भाग है नहीं तो थोड़ी दीवार का कलर हो सकता है। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सिंपल, एक मैंने बाथरूम में लगा रखा है साधारण से में। और कैसे अगर आपके पास फिटिंग नहीं है पूरी टंकी की तो कैसे आप नॉर्मल तरीके से भी फिट कर सकते हो, ये मैंने इसको खुंटी पे लटका रखा है। बिल्कुल साधारण तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक खुंटी पे लटका रखा है, सिर्फ एक कील है जिसकी मदद से ऊपर लटका रखा है, आप देख सकते हैं। और ये बटन है, ये पाइप है नीचे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी फिटिंग के बारे में, इसकी पाइप कौन कौन से हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें ये वाली होती है आपकी, यहां पड़ती है बैटरी। मैं इसमें दिखा दूं आपके, दो सेल पड़ते हैं इस टाइप के, आप देख सकते हैं ये दो सेल है, डेढ़ डेढ़ वोल्ट के दो सेल बड़े वाले। अब इसको मैं बंद कर देता हूं और इसका भी यूज बताऊंगा। इसका जो यूज है वो ये है, जब आपका लाइटर जलता है तो वो इन्हीं से जलता है। जैसे आप गैस में अपने घर पे लाइटर जलाते होंगे तो यहाँ पर ये जो लाइटर है वो इसी से जलता है। दोस्तों इसका एक बटन होता है, ये मैंने ऑन रखा है अभी, इसको मैंने ऑफ नहीं किया। अब ऑन पे जब तक आपका पानी इसमें नहीं जाएगा ये नहीं चालू होगा। दोस्तों इसकी एक चीज बता दूं मैं आपको, बस आपको कुछ नहीं करना, टंकी में पाइप फिट कर देने हैं। जैसे ही पानी चलेगा उसी समय आपका लाइटर भी ऑन होगा और उसी समय आपकी गैस भी ऑन होगी, सिर्फ पानी के चलने पर। अगर आपका पानी बंद है, आपने टंकी नीचे अगर टोंटी से बंद कर दी यहां से इस वाले पार्ट से, तो ये भी बंद हो जाएगा, आपका गैस भी बंद हो जाएगी और सब कुछ बंद हो जाएगा, और इसी के खुलने से ये चलेगी। दोस्तों तो एक बार मैं आपको फिटिंग बता दूं, दोस्तों ये है इनपुट का पाइप, यहां पर हम पानी डालते हैं, इसमें होके पानी जाता है। मैंने बिल्कुल साधारण सी फिटिंग रखी है मैंने आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये एक टंकी है, इसमें देसी जुगाड़ बनाया है मैंने। आपके घर में एक सिंपल टंकी है तो उसको आप कैसे लगा सकते हो, कुछ भी फिटिंग नहीं है। तो देखिए यहां पर आप इसको इसमें लगा दीजिए, टंकी के पाइप को इस टंकी में लगा दीजिए, यहां होके आपका पानी जाएगा, इसमें होके आपका पानी यहां इनपुट होगा, दूसरा इसमें होके आपका पानी निकलेगा यहां होके। देखिए इसमें आउटपुट के लिए वाटर आउटपुट, इसको भी मैंने ऐसे लटका रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सिंपल मैंने एक लोहे की लगा रखी है, इसको भी न लगाओ, ये वजन के लिए लगा दिए मैंने सीधा, इसमें होके पानी आएगा आपका गर्म। दोस्तों तीसरा जो पाइप है ये गैस का पाइप है, दोस्तों इसमें होके गैस आ रही है, और रेगुलेटर में आप गैस को ऑन करके छोड़ दीजिए, गैस को ऑन कर दीजिए या छोड़ दीजिए, आपको बंद करनी नहीं है, बस ये अपने आप चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे ही पानी निकलेंगे तो पानी का प्रेशर यहां से जैसे ही हम खोलेंगे तो इसमें जाएगा, और यहां से जब निकलेगा तो अपने आप ही लाइटर ऑन होगा, गैस भी ऑन होगी, पहले गैस ऑन होगी उसके बाद तभी लाइटर ऑन होगा, दोनों एक साथ ऑन होंगे और गैस में तुरंत आग लग जाएगी। दोस्तों यहां पर आप उसको देख सकते हो, आग को जो जलेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं थोड़े से बटनों के बारे में, ये है आपका गैस रेगुलेटर, जितनी मात्रा में गैस निकालनी है आपकी मिनिमम से मैक्सिमम आप कर सकते हो। वैसे तो आप मिनिमम रखोगे ना, सबसे मिनिमम उतने पर ही इतना गर्म कर देता है ये, बहुत ज्यादा। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं होती, इस पर लिखा है 6 लीटर, ये लेकिन स्टोरेज के लिए नहीं है, ये 1 मिनट में 6 लीटर गर्म करेगा आपका। इसमें पानी यहां से जाता है और वापस भी यहीं से आता है, दूसरी जगह से, दूसरे पाइप से आता है, जाता है आता है, इसमें रुकता नहीं है पानी, तुरंत गर्म होके आता है, और वो भी बहुत हीट होता है अगर आप ज्यादा मात्रा बढ़ा दोगे तो। दूसरा
ये मिनिमम मैक्सिमम आपको मैंने बता दिया। दूसरा है, दूसरा आपका बर्नर के लिए, अगर आप विंटर पर रखोगे तो इसमें दो या तीन बर्नर यहाँ जलेंगे, अगर आप समर पर कर दोगे एक बर्नर जलेगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पानी गर्म करना है तो आप विंटर पर रखिए, नहीं तो समर पर रखिए। तीसरा है आपका ये जो रेगुलेटर है, ये है वाटर के लिए, कितना वाटर इनपुट होगा, ये वाटर जाने के लिए है। इसमें से आप वाटर मिनिमम कर सकते हो और मैक्सिमम, वैसे तो आप इसको तो मैक्सिमम पर ही रखिए हमेशा, और इसको भी आप समर पर रख सकते हैं, माफ कीजिए विंटर पर रख सकते हैं, जिससे कि आपके तीनों बर्नर जलते रहें। और गैस को आप कम रखिए, जितनी आपकी आवश्यकता है बस आपको यहीं से खोलिए। आपको मेन जो यूज होगा वो इस बटन का होगा, बस कम या ज्यादा करने के लिए, आपको कोई बाकी किसी बटन को छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने लगा दिया तो बाकी सब चीजें इसको मैक्सिमम कर दीजिए, वाटर वाले को जहां से पानी इनपुट होता है इसको विंटर पे कर दीजिए, और इसको आप जो है यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, मैं दिखाता हूं आपको, तुरंत जो है आपका कुछ स्टार्ट होगा, यहां पर एक लाइट जलना स्टार्ट होगी और गैस निकलेगी, तो तुरंत पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, जो खोलता हूँ, ये देखिए लाइट जल गई और यहाँ पर ये बर्नर भी जल गया। मैं थोड़ा आपको हीट करके दिखाता हूँ, यहाँ आपको यहाँ लाइट दिखाई देगी, देखिए मैंने बढ़ा दी है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, और ये देखिए कम कर दी तो अब कम है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है इसमें से पानी जो निकल रहा है वो गर्म निकल रहा है, काफ़ी गर्म है। मैं यहाँ हाथ ज़्यादा देर रख नहीं सकता, जबकि बर्नर थोड़ा सा ही खुला हुआ है और मैं यहाँ पे ज़्यादा अपना हाथ रख नहीं सकता हूँ, बस 2 या 3 सेकंड रख पाता हूँ मैं अपना हाथ, इतना गर्म है, 2 या 3 सेकंड काफ़ी गर्म है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, ये देखिए मैं इसको अगर बढ़ा दूँ, ज़्यादा गर्म करूँ, तो आपको अगर नज़र आ रहा हो तो धुआं इसमें निकल रहा है, इतना गर्म है ये कि धुआं तक भाप निकलने लगी। अब तो मैं इसमें हाथ दे ही नहीं सकता अपना, यहाँ भाप निकल रही है, तो हमेशा इसको ऊपर बर्नर में देखिए कितनी आग जल रही है। तो आप इसको हमेशा कम पे रखिएगा, जितना भी मिनिमम हो आपका मिनिमम से काम चल जाएगा बड़ी ही आसानी से। तो इस तरह से ये मैंने आपको कुछ इसकी चीज़ें बताई, ये जो है गैस का जो गीजर है आपका लाइट के गीजर से ज़्यादा बेटर रहता है, कभी भी ये चल सकता है, कभी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जब आपको बंद करना हो तो सिंपल आपको इसको ऑफ कर देना है, और ये आपका यहाँ पर देखिए ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो चलेगा, देखिए देखिए जल गया और गैस भी जल गई, बंद किया तो बंद हो गया। ऑन गैस में ना ऑन कर रहा हूँ ना ऑफ कर रहा हूँ, गैस मैंने एक बार चला के छोड़ दिया, सिर्फ पानी के फ्लो को मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। दोबारा देखिए ऑन करता हूँ, ये देखिए स्टार्ट हो गया, चट चट की आवाज़ होती है और ये LED जलती है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पास में, देखिए ये देखिए और जल गया तुरंत। 2-3 सेकंड जलने के बाद में लाइटर जलता है और लाइटर बंद हो जाता है, फिर उसके बाद गैस चलने लगती है, ये देखिए। और जैसे पानी बंद करता हूँ मैं टंकी का, वो भी बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा है, मैंने आज आपको ये डेमो दिखाया करके। आप अगर कोई गीजर लेना चाहते हो गैस का या लाइट का, तो गैस वाला गीजर आप ले सकते हैं, गैस वाला गीजर ही ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।